कल पेट्रोल ट्री कोमलपुर नाम के गांव के बाहर एक जंगल था। वहां 2000 साल पुराने पेड़ थे। उनका नाम था राजा और रानी। राजा रानी से, कई सैकड़ों साल से हम दोनों साथ साथ हैं। तुम ऊब तो नहीं गई हो? मेरा जी करता है कि मैं कुछ करूं। तो कोई अच्छा काम करते हैं। इतने सालों से हम लोग शुद्ध हवा दे रहे हैं ना? अब जमीन के अंदर से पेट्रोल निकालकर जरूरतमंदों को हम मुफ्त में देते हैं। अरे भलाई करेंगे तो उसमें क्या मजा है? इस रास्ते से जो भी गुजरेगा उसके गाड़ी को पंक्चर कर दिया तो हमें गाली देते हुए जाएंगे तो क्या मजा आएगा। याद रखो, कर भला तो भला, अगर बुरा करोगे तो नुकसान अपना ही होगा, सोच लो। अरे रहने दो ये बकवास। भला करने चली हो तुम? भला करना चाहती हो तो खुद करो, पर मैं तो बुरा ही करूँगा। देखती जाओ लोग किसे याद करते हैं। ठीक है, देख लो फिर। तब रानी एक अंडरग्राउंड मैजिकल पेट्रोल ट्री में बदल गई, पर राजा एक कांटों के पेड़ में बदल गया। तभी उस रास्ते से एक लॉरी गुजर रहा था, उसमें से पडिक्कल नाम का ड्राइवर और उसका असिस्टेंट सोनू उतरे। अब पेट्रोल ट्री को देखकर पडिक्कल, अरे ये क्या यार सोनू, ये तो लगता है कोई जादू है। अचानक यहाँ पेट्रोल ट्री कहाँ से आ गया? क्या पता है भैया, लगता है कि इस पेड़ ने हम पर रहम खाकर पेट्रोल ट्री में बदल गई है। यकीनन ये लोगों का बनाया हुआ नहीं है। हाँ यार, लगता है कि भगवान को हम पर रहम आया और यहाँ पर पेट्रोल का प्रबंध कर दिया है। करके थोड़ा पेट्रोल भर के थोड़ी दूर आगे गए, तब उनकी गाड़ी पंक्चर हो गई। ये देखकर राजा अपने मन में मजा आ गया, पंक्चर हो गई गाड़ी। अब उस कांटे को देखकर पडिक्कल, अरे यार देखा, ये कितना सख्त कांटा है, ये तो लोहे के कील से भी ज्यादा सख्त है। जरूर ये कांटे इसी पेड़ का है, कल जब हम लौटेंगे तब इसकी खबर लेंगे। कहकर टायर बदल कर चले गए। यूं वहां कई गाड़ियों का आना, वो पेट्रोल भरना और फिर पंक्चर होने के वजह से टायर बदल कर जाना, ये चलता रहा सिलसिला। यूं कुछ दिन बीतने के बाद रानी राजा से, देखो राजा, तुम ठीक नहीं कर रहे हो। वो बेचारे काम से जा रहे हैं और तुम उन्हें तंग कर रहे हो। मुझे लगता है कि बहुत जल्द तुम्हारा बुरा वक्त शुरू होने वाला है, सोच लो। अरे रानी जी, आप तो मुफ्त में ही सलाह देने लगे। वो आपको फूलों के हार पहनाने वाले हैं क्या? कुछ ही दिनों में कोई ना कोई आएगा और तुम्हारे पेट्रोल का फायदा देखकर तुम्हें जड़ से उखाड़ कर ले जाएगा, तब तुम बैठकर रोते रहना। तभी वहाँ पर एक बिजनेसमैन राठौड़ और उसका असिस्टेंट सरयू पहुँचे। सरयू से राठौड़, सरयू आई थिंक दिस इज अ नेचुरल पेट्रोल ट्री, इसी के वजह से हमारे पेट्रोल पंप का धंधा ठप हो गया है, इसे तुरंत हम अपने जगह शिफ्ट कर लेते हैं, तब जितना चाहिए उतना पेट्रोल इससे निकाल सकते हैं, तुम तुरंत इस काम में लग जाओ। जैसा आप कहे सर, पर क्या इस रास्ते से गुजरने वाले ट्रक ड्राइवर चुप रहेंगे? वो लड़ने आ जाएंगे सर। इस गाँव में हमसे टकराने की हिम्मत किस में है, कल ही इस काम पर लग जाओ। कहकर दोनों चले गए। बाद में कई ड्राइवर्स मिलकर कुल्हाड़ी के साथ राजा के पास आए। भैया यही है वो कांटों वाला पेड़ जो हमें परेशान करता रहता है, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर जला डालते हैं। भैया इसे छुएंगे तो इसके कांटे हमें भी चुभेंगे, इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है, मैं पेट्रोल छिड़को और जला डालो। तब सब उस पेट्रोल ट्री के पास गए और पेट्रोल निकालने लगे तो उसमें से एक प्रकाश निकला। देखिए फ्रेंड्स, वो मेरा दोस्त है, उसे जलाना मुझे पसंद नहीं। पेड़ से कांटे निकलेंगे वो तो उसके लक्षण हैं, पर हमें उन कांटों को साफ करते हुए जाना चाहिए बस, ना कि उन्हें जला डाले। मुझे माफ कर देना माँ, हमारा दिमाग खराब हो गया था, पता नहीं जोश में आकर ऐसे कर बैठे, फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। यूं बात कर ही रहे थे कि राठौड़ और सरयू एक जेसीबी में कुछ गुंडों के साथ आए। राठौड़ जेसीबी ड्राइवर से, सुनो उस पेट्रोल ट्री को जड़ से उखाड़ कर अपने बंक के पास ले जाओ। भैया ये पेट्रोल पंप का मालिक आकर यहाँ नाटक कर रहा है, कहता है इस पेट्रोल पेड़ को यहाँ से लेकर जाएगा, उसकी खबर लें। ऐसे में सोचना नहीं चाहिए, चलो दो दो हाथ देख लेते हैं, मारो कमीनों को। कहकर सब ड्राइवर्स मिलकर राठौड़ और उसके आदमियों को खूब मारने लगे। तब राजा उन पर कांटे बरसाने लगा। वो मार खाकर राठौड़ और उसके आदमी वहां से भाग गए। बाद में
राजा और रानी ने उन सबको धन्यवाद कहा। धन्यवाद तो हमें करना चाहिए आप लोगों का। बिना कोई उम्मीद किए आप लोग हमारी यूं मदद कर रहे हैं, इसके लिए हम जीवन भर आभारी रहेंगे। तब राजा भी मैजिकल पेट्रोल पंप ट्री में बदल गया। ये देखकर सारे ड्राइवर्स खुशी के मारे ताली बजाने लगे। सौतेली माँ की रोटी।